प्रारंभिक ही पता चला कि एक ही परिवार के सभी सदस्य थे और यहाँ पे इस किराए के रूप में रह रहे थे। और क्या कारण है, क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। हम बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसी में हम वेट कर रहे हैं कि हमारी एमआईयू टीम्स और एफएसएल टीम्स मौके से आ जाए, उसके बाद ही हम एंटर। घर का पांच सदस्य, पांच का पांचों हाथ जगह आत्महत्या कर ली, बहुत ही बड़ी दुर्घटना मान सको या बहुत ही बड़ी एक दुख भरी खबर ही जी है। कर्जा भी अपन तो बोल सकते हैं क्योंकि इनका किसी संपर्क नहीं था, कोई हाई हेलो नहीं थी, कोई जयराम जी किसी नहीं करता था, इवन हम मैं पड़ोस में रहता हूँ, कोई हाई हेलो नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था, इनके बारे में लोग कुछ जानते ही नहीं है। दो छोरा है और एक छोरी है, दो बच्चा है, जो यहाँ लड़को छोटो है वो पार्क कह देना पार्क में खेलना हुआ भी साहब होकर, और जो छोटो छोरो है वो मांड गायरी कुंडी है, चाहे मंदिर की सफाई है, चाहे अड़े भंडार हो तो पातना है, जिमाण है बड़े जिमाण है अड़े, तो यहाँ कौन बोलो है या काम की जरूरत है, मन को अच्छो है। 15 साल का बच्चा ध्यान कहीं हो, मरनो कहीं हो, जीवनो कहीं हो, कहीं कर्ज हो, कहीं लड़ाई हो, कहीं झगड़ो हो, अगर विवाद हो तो कोई आपस में तोड़ झपड़ हो तो कोई लड़ झगड़े ना होता या ये बढ़ जाता इसी को बैठे कौन नया ने कभी लड़ता झगड़ता नहीं या आपस में लड़े एक बार भी देखा। राम राम साहब, मैं महादेव और आप सभी का स्वागत है जलको बीकानेर पर। आज आप आया हाँ बीकानेर माई अतोदिया नगर है जो माता जी ने मंदिर रेकन है, काल एक सामूहिक सुसाइड केस चले हो, मतलब आत्महत्या कर ली एक ही परिवार रा पांच जना। हनुमान सोनी जी नाम हो गरगा जी का मुख्य है, बांगो बतायो जा रही हो, एक माँ और बेटे की अलग एक कमरे रमाई ने फांसी लगाई ही, और एक लड़की और एक लड़को हो जी का बाम भी एक अलग कमरे रमाई ने फांसी लगाई, और हनुमान जी का सोनी खुद हा बारी जी की लाश ही आंगन रमाई ने मिली। और आसे पास जब बातचीत करी जदू आप नहीं पता चलो है कि दो दिन सु अखबार हो जिको भी बारे पड़ी हो और दूध लेने भी बाहर को नहीं आया, जद मकान मालिक आया हाट है तो बात कुछ देर है जिको आज चीज नोटिस करी, आस पड़ोस में पूछो जब पता चलो कि अखबार भी कंटिन्यू दो दिन से बाहर पड़ी है और दूध लेने भी को नहीं आया। जब पुलिस ने वहां सूचना दी और सूचना देने के बाद में जब पुलिस आई, जब अंदर को नजारा हो जिको कुछ अलग ही हो, घर का पांच सदस्य, पांच का पांचों हाथ जगह आत्महत्या कर ली, बहुत ही बड़ी दुर्घटना मान सको या बहुत ही बड़ी एक दुख भरी खबर ही जी है। और जी को मकान हो ये मकान रे मायने पिछले 10 सालों है जगह पड़ोसी बतावा कि मैं किराए पर रह रहा, मकान हो जी के मायने कंटिन्यू 10 सालों हनुमान जी सोनी जी को परिवार हो बोर्ड किराए पर रहा करता हो, एक किचन रे मायने माँ और बेटे की लाश मिली है, तो एक रूम रे मायने पारी एक 14 वर्ष की लड़की और एक लड़के की लाश भी एक जगह मिली, और गरगा जी का मालिक हा हनुमान जी सोनी बांगी लाश जी के आंगन रामायण ने पड़ी, बताया जा रही है कि पह हाजी का जहर पीली हो और बाकी 4 जना हाजी का फांसी खा ली, और कई जगह यहाँ भी लोगों से पता चलो है कि कर्जे रे दबाव रे मायने अपनी और आही जी की सुसाइड मां करी ही, बिर अलावा कई जद पुलिस वालों से और दूसरे मीडिया पर भी आप एक चीज और देखी है कि मतलब आप रे जी का भाई और हा वहाँ पर भी कई आरोप लगे हुए सुसाइड नोट रे मायने लिखुड़ हो कि मतलब जमीन जी की बंटवारो और हो जमीन जायदाद को बीसों भी है लोग हाँ जी का परेशान आन भी जमीन जायदाद रे मैंने हिस्सों को नहीं मिली हो बिया करना कई ईसा भी कारण हाँ जी का भी आ गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा आस पड़ोस रहा जी का लोग है पाऊँ भी बातचीत करा ला। राम राम सर। राम राम। अच्छा अब एक घटना यहाँ सुनी है अठे कल पुलिस भी आई है तारा आस पड़ोस रे मायने पांच जना हाँ जी का सुसाइड कर ली, बात साची है? साची है। बात साची है पांच जना सुसाइड कर लो, यहाँ भी सुनने में आई है कि पिछले 2 दिनों वहाँ से अखबार और आ बारे पड़ी दूध लेने भी कौन नहीं आया, घटना जी करीबन सुसाइड ही जी की 2 दिन पहले हुई, 2 दिन पहले हुई बता रही है। अच्छा के कुछ है लोग यहाँ भी बतावे है कि मतलब सुसाइड करने का मेन कारण हो वहाँ पर कर्जो होना, कर्जा भी अपन तो बोल सकते हैं क्योंकि इनका किसी से संपर्क नहीं था, कोई हाई हेलो नहीं थी, कोई जयराम जी किसी नहीं करता था, इवन हम मैं पड़ोस में रहता हूँ, कोई हाई हेलो नहीं करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, इनके बारे में लोग कुछ जानते ही नहीं है, ये अपने अपने अंदर रहते थे, किसी से बातचीत नहीं थी पूरे मोहल्ले के अंदर, ना गली के अंदर किसी से बातचीत थी इनकी, तब लोग ये बता रहे हैं कि भाई खाली बच्चे एक था, एक दो बच्चे थे वो बोलते थे, मियाँ भी किसी से बोलते नहीं थे, तब सोचने में तो ये हो सकता है आर्थिक तंगी थी, कर्जा हुआ था, इस कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। सुसाइड नोट के बारे में की जानकारी मिली है आपने? सुसाइड नोट मिला था लेकिन अभी तक वो सामने आया नहीं क्योंकि मैं कल पा रहा था। सुसाइड नोट कि परिवार पक्ष के उसमें पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष पैसों के लिए कुछ परेशानी करते थे। हाँ मतलब ये सुनने में आई है कि पीयर और जी का परिवार पक्ष का जी का लोग आपको कोई जायदाद बंटवारे ले इसी कोई परेशानी? हाँ कुछ सुनने में तो ऐसे आया है। अच्छा आके और परिवार में कोई अठ रहा है आसपास में? एक इनके बंगला नगर में शायद इनके माता पिता जी रहते हैं, सुनने में ऐसा आया है। बंगला नगर के अंदर माता पिता जी रहते हैं। फिर अठे पतो क्या चालू किया मतलब सुसाइड कर लियो? कल शाम को लगभग इनका जो किराएदार है
वो आया था, उन्होंने पहले फोन करा होगा किराए के लिए, तो फोन का नो रिस्पॉन्स आया, तो वो किराएदार खुद मकान वाले खुद आया किराए लेने के हिसाब से, तो उसने काफी देर खटकाया गेट तो खोला नहीं, तो उसने फिर इनके भाई साहब और जो रहते हैं मंगला माता पिता जो रहते हैं उनको फोन करा कि ऐसी ऐसी बात है, तो अंदर से घर से थोड़ी थोड़ी बदबू भी आ रही थी, तो वो लोग आए, उन्हें आने के बाद देखा था कि गेट वर बंद था सारा, फिर अखबार पड़े हुए थे, तब पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके गेट तोड़ा तो सामने मालूम पड़ा कि सुसाइड कर रखा सबने, फांसी पर लटके हुए। अच्छा, एक किचन के मायने तो बताया जाते कि बेटे और माँ रही है के साथ जाते मतिया करोड़ी, और एक रूमर माँ एक बार बच्ची ही जिसकी 14-1 साल की, और एक बच्चे की मतलब फांसी खाई, और हनुमान जी का खुद अंग जहर पीड़ो हो और आंगन में मायने लाश पड़ी। हाँ, जहर पिया हुआ था उन्होंने, दो दिन से मतलब बदबू और आने बजे और 12 बजे बदबू इतनी तो नहीं आ रही थी, लेकिन जब किराए जो मकान मालिक आया था उन्होंने गेट वेट खोला तब जाके उनको फील हुआ हल्की सी बदबू आ रही है, तब उन्होंने अपने उनके परिवार वालों पर संपर्क करा, संपर्क कराया तो उन्हें पे आए, आने के बाद चेक करा गेट वेट खुला हुआ नहीं था, गेट फिर पुलिस को बुला के तोड़वाया, तब मालूम पड़ा कि ऐसी बात हुई भी अंदर। एक आगे एक चीज और पूछनी चाहूँ, मैं पूछूंगा नहीं, 10 सालों कंटिन्यू काम काज के क्रिया करता ये जैसे अंगूठी और मैं नगना नगीना जोड़ने का काम था। अच्छा, घर के अंदर, घर के अंदर काम करते थे, बाहर कोई शॉप बाहर कोई शॉप नहीं करके अंदर काम करता जी। और बताया जा रहा काम भी है हर जगह कर रहे हैं, मायने नगीना और जटन को सुनार को काम है, अगर वही काम है करा करता, वो मकान है जी को हनुमान जी सोने का, और है जी को घर को मेन दरवाजो है, और एक अंदर सुन जब पुलिसकर्मी ये दरवाजे ने अंदर सुन तोड़ जब अंदर घुस गया, जब अंदर आंगन है इस साइड ने भी आंगन रे मायने हनुमान जी की लाश मिली, और एक और रूम हो जी के रूम रे मायने एक लड़की और एक लड़के की लाश जी की फांसी खाई मिली है, मकान हो जी पे 10 सालों कंटिन्यू अटैक किराएदार रहा करता है। तो अब हम पा आया हाँ जी को अरे घर जस्ट सामने जी को मंदिर है, मंदिर में मैंने पुजारी जी है जी का लगभग अड़े ही रहा करा, हम बातचीत करा पा थोड़ी बहुत है जी का। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या पंडित जी लगभग अड़े ही रहे हो कि थे? बिल्कुल अड़े साल से रह रहे हो? माने 22 साल हो गया। 22 साल हो गया। तो जस्ट थारे मंदिर सामने जी को मकान है कि मैं हनुमान जी सोनी को परिवार रहा कर, तो कितना साल में रहा करे? 8-10 साल गए और ऐसी कोई चीज अपर मैं मिला वो को नहीं बताया जा रहे कि आस पड़ोस लोग ऐसी कहीं अभी बता रहे कदे क्यों बातचीत करनो क्यों मिलनो जुलनो इसो कुछ नहीं, यहाँ पर खाली तो यो बैठा रहे होता जैसी किसने होती भी उस राम राम बाकी कहीं तो मतलब आप शेयर कदी करियो को नहीं ना मैं आपको कदी पानी देखना था नहीं लगे होगा कदी मतलब कोई कर्जे वाली परेशानी नहीं ऐसी कोई क्योंकि बात हुई कहने अपन ठाको नहीं पड़े और इसको कोई लगे भी को नहीं और ये लड़को बहुत अच्छा लड़का है फोन करियो फोन उठायो को नहीं मेरे बात क्या है कि मैं आयो बार आवाज दो मैं आवाज दी उन्हें मैं भी आवाज दिया गेट खड़का भी हो बाकी भी हो कोई मूवमेंट करियो को नहीं मकान मालिक आप रहो गेट खड़का हो और मेरे बाद में क्या गेट खोलियो को नहीं कोई तरह रहो जने ये कोई भाई साहब ने नंबर लिया मैं को नहीं बुलाया रिश्तेदार ने कोई मित्री हमारा कोई सोनी जी मैं कोई नंबर दिया नंबर दे पर मकान मालिक भी उस बात करी मैं आने बाद में खड़का पर भी उठा पड़े कि मैं स्टेप में कौन हो अच्छा जब मकान रहे थोड़ा गेट रहे अंदर वाले नजदीक है थोड़ी बहुत बताया जा रही है कि बदबू सी कौन लगी मकान मालिक ने जब मारे घरे फोन करी हो जी का हमारा भाई हो रहा हनुमान जी को तो मारे फैमिली वाला लोग बात में आ गया गेट हाँ फैमिली खुदरा भाई साहब आ गया फोन करियो अच्छा सुसाइड नोट भी मिलियो फिर माई कहीं कुछ होगी पता चलो था ना नहीं नहीं साहब पक्की अपने को तो मतलब मारे सुनने में आई है सुसाइड नोट रमाए नहीं है बताया जा रही है बार में लिखे रहो कि मतलब ससुराल और पियर पक्ष रहा जी का बारी नाराजगी की कोई जमीन जायदाद देर कोई ऐसे ही बात ही जी के देखो भाव कभी भी नाश तो कोई देखी को नहीं कोई घरे आते हुए इस टाइप की कोई चीज अच्छा की लोग है जी का था आस पड़ोस के लोग कभी किसु मिलता भी को नहीं था ज्यादा किसु मिलता बोल चाल भी को नहीं खाली भी और बच्चों बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम हो उसमें एक लड़को हो जी को बताया जा रहा है बढ़िया हो जो नाम है उसका बस वही थोड़ा मारा खुद और मैं तो कभी कई बार मंदिर भी मैं नहीं बुला जा होता कड़ी जाओ ना होता तो बाकी भी उस कोई तो लोग को नहीं पड़े मतलब वीर पिताजी सु या माता राम सु कोई इस टाइप को अच्छा अरे बाकी परिवार वाला जी का बंगला नगर में कौन सी जगह रहे पता आपने वहां दे आदमी को नहीं एड्रेस पता को नहीं क्योंकि ज्यादा बोल चाल बोल चाल लेगा नहीं और बिना भी कभी पूछियो मगर ननो ने कटे दादा ने कटे कोई इस टाइप कभी पूछियो भी को नहीं आपने बोले यहाँ पर मंदिर बहुत मतलब भगत हो मंदिर में कई बार कौन होता तो जन्माष्टमी ने मतलब बच्चे बारे बहुत ही ज्यादा स्कूलों में बाकी थे भी अड़े रहो अपना मकान कौन सी जगह है वो सामने वाला ही है सामने वाला अच्छा काल जी की घटना हुई
बताओ यार बारे में, तो खास तो कौन है बाकी रहो ता आप रमाई नहीं हां मतलब ज्यादा बताया बोल जाए चाल के सोई कॉलोनी में कोने कई लोगों से मैं बातचीत वो करी महाराज ज्यादा बोल बताया जाए। जिको हिसाब से वही सिस्टम है कि वो लड़को ही बोलतो लड़को ही खेलना आउन तोड़े या बच्चा जिको लड़की है यार एक लड़की एक्सपीरियंस भाई बैडमिंटन और खेलती भाई 3 4 महीने वो भाई खेलने लगी थी बांडे भाई भाई निकलती कौन बांडे भाई अंदर रहता अच्छा मतलब थे तो फिटनेस और भी थारी बढ़िया है तो ज्यादातर खेल आरो सिस्टम थार में ज्यादा हो थे तो खेलता जब दोबारा जी का बच्चा मारे साथ यार थार चेहरे पर कोने कदी या सिस्टम कोनी हो के मारे घर में कुछ नहीं रामायण चल रहा है या वो सब अचानक ही उड़े मतलब यार परेशानी हिजी का दीपा देखने को नहीं मिली देखने में नहीं कोने लेकिन अचानक सु आ और चीज। परे अगर माथे भी रुपया हो गए तो बांड या पियर सु या ननाने सु कदी कोई परिवार और दिखे अड़े आज तक दिखे कोने कोई कोई तगा दो अबीर गलत भाई ने तो ही ध्यान कोने के एड्रेस कहीं अड़े जन मतलब कहीं हो अच्छा मतलब बार परिवार वाला ने ये एड्रेस एड्रेस रोको ध्यान कि वो कोने हो ए जद बताए महाराज फोन आयो जन बियारो के भैया एड्रेस ओ है करनी माता मंदिर सामने अच्छा बांगो फोन आयो जद महाराज बतायो जद बंद पतो चले भाई मारो भाई को मकान है जो किराए पर किराए लियो भर लियो अटे अब लगभग कितने सालों रह रिया 10 साल हो गया दस सालों रह रिया यार 10 सालों में कोई भी पड़ोसी में बढ़िया बड़ा संपर्क भी कोनी संपर्क ने भी आप काम रहे सगला आप काम धंधेड़ा आदमी है तोड़ बिया सुहा कोई बात कोनी भाई मंदिर माने सगला आवा जावा करे नहीं के लेकिन बे आवा जावा काम करता कोनी अब यार बच्चा दो बच्चा है एक दो छोरा है और एक छोरी है दो बच्चा है जगह यार लड़को छोटो है और पार्क कह देना बपड़ पार्क में खेलना हुआ भी हिसाब होकर और जो को छोटो छोरो है वो मांडे गायरी कुंडी है चाहे मंदिर की सफाई है चाहे अड़े भंडारो हो तो पातना है जिमाणो है तो बड़े जिमाणो है अड़े तो यो कोने भोड़ो है या बिन काम की जरूरत है मन को अच्छो है बहुत बढ़िया हो बहुत लगभग बढ़िया लड़के बहुत ज्यादा लेकिन याद है अगर हाँ अचानक वो इतनी बड़ी हिजी घटना हो गई कि निर्मम हत्या है वो तीन तीन जी का फांसी बच्चा हाँ अब्बा भी फांसी खा ली और खाई बारह माँ कौन बाप बे बच्चे अच्छा एक दिन पहले था ना एक दिन पहले तो पढ़ दो और सब बंदा गए हमारे पास में काम करिए है फांसी क्यों लगे और किने ध्यान कौन पूरा हुआ फांसी पूरा मंदिर में लाइट अटक पड़ गई लगाना और एक मरना बहुत बड़ी बात हुआ विशा हिम्मत सी मरण वाला लेकिन यहाँ 15 साल का बच्चा ध्यान कहीं हो मरनो कहीं हुए जीणो कहीं हुए कहीं कर्जो हुए कहीं लड़ाई हुए कहीं सही बात झगड़ो है हुए ये चीजों में माना आई अब चीजें थोड़े बार मैं थोड़े बच्चो थोड़े है बे बार थप्पड़ ये मारा सिंजन 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद अपन कहते सी बेर हुए बड़ा में हुए हाँ छोटा में ज्यादा कौन बन एजेड आदमी वे टेंशन रही चीजें भी आदमी ने समझ में आया 25 लेकिन 25 साल बाद में 30 साल बाद में वन जिका सत्रह ना अठारह साल और 14 15 साल का टिंगरा नी चीज को पता को नहीं होता 18 साल तो बड़ो बड़ो वो तो गाय हो यार लमसम सकला फीस गाय देनी हो पड़ती नहीं खड़ो है चुपचाप तो खड़ो है सीधो थाने बार आदमी थे बार ये माइक करता वो बोलतो ही कौन है हेलो मतलब अगर सही जब कोई चीज दूसरी घटना घटी तो तेरे को बड़ोड़े सा माइक कर दे ताने वो बोलतो ही कौन है आप भी अठे हाँ सामने मकान है आपको सामने मकान है आपके अच्छा काल जी की घटना हुई है भी पर क्या कहना चाहोगे भाई साहब एक में उसकी घटना हुई है एक में वो सस्पेंस बन रहा है क्यों मरिया कहीं कारण नहीं हो इतना दिन मैं अपन पड़ोसी हमारा लेकिन आज तक अपने कोई डिप्रेशन ना हो या कोई घरे कोई तका दे आड़ो या उन्होंने कोई भी अगर अगर मान लो अगर रुपये संबंधी जो मामला है घर से मामला है कोई तो आवे कोई इस आदमी जो पैसा लेना है सही है पेमेंट लेना है कोई क्यों भाई साहब पेमेंट बाकी है दो वो आज तक अच्छा किसी कोई हुई कौन नहीं फिर माइन एक सुसाइड नोट मिलियो जिकर माई पुलिस कर्मचारी आरोपी यहाँ कहो हो कि मतलब सुसाइड नोट रे माई ने यहाँ लिखेड़ो है कि मतलब आप राज्य का पियर और ससुराल पक्ष रा लोग है बाहू परेशान हा के मतलब जी की जमीन जायदाद थी बारे में बाने कोई हिस्सो बंटवारो कौन दियो तो लाल यार मैं माने अभी 2 साल ले रहे हैं लेकिन पिछले 8 10 साल से ही दे रही है किराए मकान है और एक सुनी आने जी को परिवार बाकी लोग जी का समाध रहे बे भैया के लिए लाल यार को मकान ऊपर में मकान बेचो बे मकान बेच रहे 8 साल हो गया अंदर ने अगर इसको कोई मैटर हो तो 8 साल में सोचे कौन अभी एक आपा सोचने लायक बात है 8 साल तो अगर रह रही है बे बाप ने भाई सो भी बोल चाल कौन पिताजी भी कौन मान जी का समाध लोग बया कह रहे हैं भी पिता जी वो भाई सुन बोल चाल कोनी यानी किस्मत या परिवार राग का तो बहुत कोनी है साथ दिया बोल चाल कोनी हो ना ये बातचीत भी कौन करे बस आना दौड़ भी कोनी हो तो फिर विवाद कर रही हो अगर विवाद हो तो कोई आपस में दौड़ पर हो तो कोई लड़ झगड़े ना होता या ए बड़ दांत इसी को मैटर कोनी मैं ने कभी लड़ता झगड़ता नहीं या आपस में लड़े एक बार भी देखा कोनी अच्छा कभी ज्यादा ना भी बोल मैंने दो 2 साल लेकिन के 2 साल में मैं ने देखा कोनी कोई मतलब ऊंची आवाज में बात करी है अपने परिवार में बैठ करी जिया की 18 लोग आपने बतायो हो कि मतलब एक सोचने की बात है कि मात्र 14 साल की बारी बच्ची ही 15 साल को एक लड़को एक 18 साल को लड़को 18 साल को जी को लड़को बहुत ही सीधो लड़को हो पंडित जी से भी बात हुई जी का बताऊं था कि मतलब मंदिर रे मायने हर एक काम रे मायने रुचि लेर बे काम करया करता है तो अब आप बारे घर रे एकदम क्लोज में है हाँ जी का
हनुमान जी हाँ बारह जी का भाई और बारह माता पिता रहे अभी मकान ने करना है। अब बताया जा रहे बारह पोस्ट नब हो गया और अब बानी जी डेड बॉडी है बानी सगड़ा नब घर लाने की तैयारी हो रही है। तो कई जगह बारह समाज रहा लोग है और कई आस पड़ोस का लोग है वहाँ पर थोड़ी बहुत है जी की बातचीत कर पड़ पूरी बात रही तय तक जाने की कोशिश करा ला कि एक ही परिवार रहा पाँच जन हाथ जी का आत्महत्या पहली तो घटना हुई बैठे बोरी लारे टेंट हाँ भाई भी घटना अचूक हुई कि मन ध्यान है अब हमारे घर में कहीं हो रही है ध्यान को नहीं आप माया परमात्मा नहीं परमात्मा ही जान बन सके या तो जाने जी जान सके या घर वाला जी जान सके। घनी मारी मार काके बेटा भाई है घनी मारी मार काके बेटा भाई है फिर भी थोड़ा बहुत थाने कोई जानकारी है कि मैं तो अचानक वो 15 साल हूँ अंतोदय नगर में रहूं तो ए अठा में रहूं तो ठीक है आउंदा जाउंदा रामा समा कर लें दबो काको जी कहंदा हां बेटा बहुत कदी जे थे रामा समा ही करिया तो थाने कदी यहां लागियो कि बंदो कोई टेंशन रमाई ने कदी अपने खोली ज कोन आज मैं बात करता कोई मेरे दिल में ही नहीं बहन कोई खोली कोन खोल तो मेरो समाधान हो जाऊं तो खोली कोन मन बड़ा आस पड़ोस रा लोग भी कहे कि कदी भाई सी कोई बातचीत करनी या पर चेहरे पर कोई ऐसा भाव देखना कदी कोन मेरे चेहरे माथे कदी कोई भाव कोन। और दूसरी तरफ बारे मंदिर है घर के जस्ट सामने बटर पुजारी जी भी मिलिया तो बताया जा रहा है बड़ो लड़को है जो बहुत ही ज्यादा समझदार हो और बहुत ही ज्यादा हर चीज में बढ़ चढ़ वो हिस्सा ले रहा है। और बाप भी समझदार है बाप भी कोई चुको नहीं बाप ही अपने नेता और छेड़ी में चुको चुका था उठ बैठे बेटो भी चुके नेता साथ उठ बैठे समझदार है परिवार का आंखों ने भाई गेला गूंगा ना समझदार है। लेकिन आत्महत्या का कोई मुख्य कारण है जी का हालत है मतलब समाज रे थाने कोई लोगों ने पता चलिया मुख्य कारण कदी थोन बताओ नहीं बहन हनुमान ना तो कोई दर्शायो और ना कोई अगर दर्शाऊ तो बीरो पांच भाई ओ आ गली पूरी सुना रही है बताऊ तो ए गलत होता तो शंकर ने कपड़ था वो गलत भी ने कपड़ था बहन कदी दर्शाई को नहीं देना मैं कहीं दर्शा सकता देखो आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी माना ही बात नहीं आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वह सुना रहा नहीं कोरोना बाद में काम तो है नहीं बिर वजह से सब परेशानी हो रही है सारी लेकिन तो पैसे भर खुद भी बार काम बढ़िया चाल तो सुनने में आई है कि मतलब जी को सुनारा रो काम है अगर सर नगीना उन चरण को काम है जी को बार बढ़िया तरीके में चालता काम तो बिहार रेड रेड प्रॉब्लम होगी बिर बाद में सो काम हुयो भी कोनी हो काफी टाइम तक तो बेबी तकलीफ मार काम दब तो बाजार सगलो मंदो पड़ियो है काम लेवण चाहो तो काम देवण वाला कौन है बाजार भाव स्थिति है काम दर स्थिति है मैंने कहीं मिल सके कौन काम है ही कौन 90% सुनार जाती है जी वेली बैठी बेरोजगार है कहीं कर पा तू एक तो मुख्य कारण में अगर बात करा तो अपन वो भी हो सके कि कर्जे दबाव में भी वो कदम उठाए कर्जे तो अपना कोई सुनी को नहीं ठीक है मैं भी बैठे खनी रेवा कहीं माता मंदिर आसपास मकान अपन ले रहे ठीक है और यहाँ रिश्तेदारी भी अपन लेकिन इसी को अपन नजर में आई कौन बात अब परिस्थितियाँ आर्थिक स्थितियाँ ज्यादातर खराब चल रही है सुनाना बच्चा काफी लोग सुनने में आवे अभी आपस में मिला बैठा बात करा क्या काम दा कौन कहीं का परेशानी है काम दा कौन कहीं का परेशानी तो सुनने में आए रही है बाकी कोई विशेष कोई रीजन समझ आए को नहीं कभी जी हाँ सुसाइड नोट में थी आप परिवार वाला हूँ थोड़ी खींचा तान बताई ही जायदाद और बंटवारे तो कभी थे इससे कोई मार दो नार बीच में कभी कोई आर परिवार और बार बीच में कोई लड़ाई झगड़ो कभी सुनने में कोई सुने को ना पा नहीं कोई सुने चलो बहुत बहुत धन्यवाद तेरे सा गई राम राम सा मैं महादेव और थे देख रहे जल को बीकानेर मिला आप अगले वीडियो रमाने अगले वीडियो देखने वास्ते जल को बीकानेर न्यूज चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया साइड में जो बेल आइकन बटन दे है बिना भी प्रेस कर दिया राम राम जी।